बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी। क्या इलेक्शन हो जाएंगे, इसके लिए किस किस की निगाहों में झांकना होगा। हमने कभी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। यहाँ इंतखाबात या वोट की बुनियाद पर इक्तदार के फैसले नहीं होते, इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगले इंतखाबात के नतीजे में इक्तदार का यकीन है। दोनों जमातें समझती हैं कि पीटीआई को सियासी तौर पर मफलूज कर दिया जाएगा, उसके सरबराह को नाअहल किया जा सकता है, सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इसलिए पीटीआई कुछ नहीं कर सकेगी। सवाल ये है कि पीटीआई को सियासी मैदान से बाहर निकालकर इंतखाबात की सियासी साख क्या होगी, क्या इंतखाबात को कबूल किया जाएगा। दोस्तों, जब इक्तदार के फैसले ताकत से हो रहे हों तो वोट की कोई अहमियत नहीं होती, और वैसे भी हमारे यहाँ आम आवाम की क्या हैसियत है। जीना मरना एक बराबर, ना मैं इधर ना मैं उधर, बस दुनिया दा बोझ वदाया, जग उत्ते मैं करन की आया। इन लोगों की जिंदगी की हमारी अशराफिया की नज़र में वक्त ही क्या है। अगर इनकी थोड़ी सी भी अहमियत हमारे हुक्मरान तबके में होती तो लोग गुर्बत और बीमारी से मर ना रहे होते। मगर याद रखें, मेरी अल्लाह की लाठी जब चलती है तो फिर वो किसी अशराफिया का लिहाज नहीं करती। एक सेशन जज जिसका एक हाथ कटा हुआ था, किसी ने इस हादसे की वजह पूछी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए गए थे, वहाँ मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने बेटी का बैग छीन लिया। मेरी बेटी ने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और वो मोटरसाइकिल के साथ साथ घिसटने लगी। मैं मदद के लिए दौड़कर गया तो डाकू घबरा गए और उन्होंने गोली चला दी। एक गोली मेरे हाथ पर लगी और दूसरी बेटी के सर पर। मेरी बेटी वहीं इंतकाल कर गई, जबकि मेरे हाथ का जख्म बिगड़ गया और डॉक्टर्स 2 माह बाद मेरा हाथ काटने पर मजबूर हो गए। इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगा। जब उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि मैं अपने हाथ या अपनी बेटी की वजह से नहीं रो रहा, बल्कि अपने मुलाजमत के ज़माने में सिर्फ चंद हज़ार रुपए के लालच में बेशुमार चोरों और डाकुओं को छोड़ने पर रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ महसूस होता है कि मुझ पर गोली चलाने वाला मेरा ही छोड़ा हुआ कोई मुजरिम होगा। कहते हैं कि यह एहसास अब मुझे जीने नहीं देता। सोचता हूँ क्या हमारी अशराफिया को कभी यह एहसास नहीं हुआ, क्या अगर इस दुनिया से वो चले भी गए तो अगली दुनिया में वो क्या जवाब देंगे। किसी ने सच कहा था कि हमारे हुक्मरानों ने इतनी दौलत घरों में इकट्ठी कर ली है कि इज्जत के लिए घर में जगह ही नहीं बची। यहाँ बैनर्स पर लिखा होता है सेहतमंद पाकिस्तान, और ऊपर तस्वीर उनकी लगी होती है जिनका पूरा खानदान लंदन इलाज करवाने जाता है। इसलिए किसी ने सही कहा था, अगर दुनिया पाकिस्तानियों के लिए बगैर वीज़ा एंट्री खोल दे तो इस मुल्क में सिर्फ वजीर, मुशीर, जजेस, सरकारी अफसर और फौजी अफसर बचेंगे। इसीलिए एक इंसान ने कहा था कि कुछ दिन मेरी ज़िंदगी तुम गुजार कर देखो, अगर तुम जी गए तो मुझे मार देना। जिंदगी मेरी खेड खिडोना, पुक्के पेट मैं किद्दां सोना, लब जावे एक टुक रोटी दा, एवे मेरा रोज़ दा रोना। या अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, आमीन। Allah, Muhammad sallallahu